प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज तक पे। आप देख रहे हैं टैरो राशिफल विद सुनिधि। हम बात करने जा रहे हैं अब 29 अप्रैल के राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लव टिप की। तो अगर आपको लगता है कि रिश्तों में कहीं आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी बहुत डिले हो रही है, अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, घर में जो है आपको अच्छा सुख नहीं मिल रहा है रिलेशनशिप में, आपको क्या करना है, आपको भगवान शिव को पूरे परिवार समेत आपको उनको पूजना है, तो आपको भगवान शिव को माँ पार्वती के साथ, आप कार्तिकेय के साथ, भगवान गणेश के साथ, भगवान कार्तिकेय के साथ पूरा सब परिवार उनको अपने घर में लेके आए, उनकी मूर्ति लेके आ सकते हैं, फोटो लेके आ सकते हैं, उनकी रोज़ आप पूजा आराधना कीजिए, आरती कीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस रिलेशनशिप में आने शुरू हो जाएंगे। तो ये थी लव टिप। अब बात करेंगे हम टैरो राशिफल की। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मेष राशि की। एरीज राशि वालों, आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, बात करते हैं टैरो कार्ड से। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूमेगा, चीज़ें एक बदलाव लेके आ रही, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया आपका दिन जाता हुआ दिख रहा है, बहुत मन खुश रहेगा, आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्यारा सा चेंज आ रहा है, जो दिन आपके अनुकूल जाता हुआ दिख रहा है, किस्मत आज आपका साथ देते हुए दिख रही है। आज आपको क्या करना है, आज आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। वृषभ राशि वालों, आपके बारे में बात करें तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मतभेद लोगों के साथ हो सकते हैं, तो आज आपकी बातों को लोग अलग सेंस में लेके जा सकते हैं, लोगों को बुरी लग सकती है, तो आपको थोड़ी मिठास के साथ बात करनी है। आज के दिन आपकी वाणी में बहुत मिठास होनी चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। दिन की शुरुआत दही शक्कर खा के करिएगा। मिथुन राशि वालों, आपके बारे में बात करें तो कार्ड वर्ल्ड, बहुत ही अच्छा दिन जाने वाला है, बहुत अच्छा काम होंगे, काम बनते हुए दिख रहे हैं, किस्मत आपका साथ देती हुई दिख रही है, फाइनेंशियल लाभ आपको होते हुए दिख रहे हैं, तो कुल मिला के दिन आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आज क्या करना है, आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने हैं। कैंसेरियंस कर्क राशि वालों, आपके बारे में बात करें तो स्ट्रेंथ, काफ़ी मेहनत लगेगी हर काम को करने में, काफ़ी आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा और लक जो है थोड़ा सा ढीला चलेगा, काफ़ी डिलेस होते हुए दिख रहे हैं, एक काम को आपको थोड़ा रुक रुक के ही होगा और कुछ ना कुछ रुकावटें आज आपके साथ चलती रहेंगी। संध्या काल में अगर हो सके तो आज बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। लियोज, आपके बारे में बात करें तो जस्टिस, आज आपके साथ न्याय होगा, आपको न्याय मिलेगा, और कहीं बहुत देर से कोई कोर्ट केस चल रहा था, कहीं आपको इस तरह से किसी चीज़ में फंसे हुए थे, तो उसमें भी आज आपको इंसाफ मिलता हुआ दिख रहा है। आज खासकर लियो राशि वालों, आपके लिए सिंह राशि वालों बहुत बढ़िया दिन जाता हुआ दिख रहा है, आपके हक में बात होगी, ऑफिस में भी अगर आपके अगेंस्ट लोग थे तो आपको आज उनकी इस बार अब आपके साथ वो होते हुए दिख रहे हैं, आपके फेवर में बातें जाएंगी और आपके लिए काफ़ी अच्छा दिन जाता हुआ लियो राशि वाला दिख रहा है। आज ज़रूर भगवान सूर्य को आप जल अर्पित जरूर कीजिएगा। कन्या राशि वालों, वर्गोज, आपके बारे में बात करें तो आपके लिए कार्ड आया मून, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप पे हावी रहेगी, मानसिक तनाव आपके साथ जुड़ा रहेगा, मन में काफ़ी नेगेटिव ख्याल आपके आते हुए दिख रहे हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ आज जरूर कीजिएगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। तुला राशि वालों, आपके बारे में बात करें तो 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। फाइनेंशियली आज थोड़ा टाइट दिन रहेगा, खर्चे बहुत ज़्यादा एकदम से आ जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने एकदम खर्चा लेके आ जाएंगी, तो काफ़ी पैसों में आज तंगी हो सकती है। फाइनेंशियली कोई बहुत बढ़िया दिन नहीं है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का, शेयर्स में लगाने का, तो आज आपको फाइनेंशियली बहुत स्लो चलना है, ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं, पैसे को थोड़ा बचा के रखना है। आज माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना ज़रूर कीजिएगा। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन, 3 ऑफ वॉन्ड, आज पेशेंस का दिन है, दिन की शुरुआत थोड़ी ढीली डाली, संध्या काल के बाद चीज़ें स्पीड से होंगी, दिन कुल मिला के अच्छा रहेगा बट दिन की शुरुआत थोड़ी सी स्लो रहेगी, पेशेंस रखिएगा, काम आपके आज बनेंगे और आपके साथ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आपको आज क्या करना है, किसी जरूरतमंद को धन का दान देना है। अब हम बात करते हैं धनुराशि को। धनुराशि वालों, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके कार्ड आए हैं, तो चीज़ें आपके हक में होती हुई दिख रही हैं, आपके फेवर में होती हुई दिख रही है, जो बहुत देर से जिन परेशानियों में फंसे थे उनमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आज काफ़ी मंजिल के पास धनुराशि वालों आप जाएंगे, काम आपके बनेंगे, रिश्ते आपके इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। आज घर के आंगन में जो घी का दिया जरूर जलाइएगा। मकर राशि वालों, आपके बारे में बात करें तो आपके लिए कार्ड एम्परर आया है। आज बहुत जिद्दी रह सकते हैं, हर चीज़ पर जिद कर सकते हैं, थोड़े अड़ियल आज आपका स्वभाव हो सकता है, थोड़ा सा आज फ्लेक्सिबल रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
हो सकता है कि आज आप थोड़े डोमिनेटिंग भी बन जाएं। तो मकर राशि वालों, थोड़ा आज आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। आज आप किसी एक चीज को अपने ही नजरिए से देखेंगे, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानने की कोशिश करेंगे। तो आज कहीं अगर आपको कहीं नुकसान होता है या कहीं आपको किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो अपनी गलती को भी जरूर देखिएगा। हो सकता है कि आज आपके थोड़ी रूडनेस के कारण, प्रैक्टिकल नेचर के कारण थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आ सकती है। थोड़ा सा प्यार से बोलेंगे, प्यार से रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आज आपको क्या करना है, आज आपको गायत्री मंत्र 11 बार बोल के दिन की शुरुआत करनी है। एक्वेरियंस कुंभ राशि वालों, आपके बारे में बात करें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स पैसों संबंधित काम बनते हुए दिख रहे हैं, धन लाभ के संयोग बन रहे हैं, पैसों का आज लाभ होता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के आज मनी मैटर्स आपके सॉल्व होंगे, फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। आज क्या करना है, किसी जरूरतमंद को धन का दान जरूर दीजिएगा। आखिरी राशि मीन राशि, पाइसिन 600 पेंटिकल्स आपके लिए भी फाइनेंशियल गेंस का दिन दिख रहा है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ आ सकता है, जॉब चेंज करना चाह रहे थे हो जाएगा, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। फाइनेंशियली आज बेनिफिट लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। आज आपको क्या करना है, ओम की 21 टाइम्स चैंटिंग के साथ दिन की शुरुआत करनी है। तो ये था टैरो राशिफल। आप सबको उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, एस्ट्रो तक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।